क्या है वो वायग्रह। जो ये मर जाए यार, मुझे छू दिए ना अगर, तो अच्छा नहीं होगा। तो पहले भी मना किया था कि मत पीजिए सब चीज को, कीजिए आप मूड बन रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। तो आज जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या फिर आसपास में होंगे, उनको पता होगा कि दो तीन दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। मौसम इतना रोमांटिक, इतना सुहावना हो गया है ना कि बिल्कुल मतलब मन विचलित हो गया है। और मैं इसी मौसम में किसी काम से मैं बाहर आया था, देखिए बाहर पूरी बारिश हो रही है और मुझे एक चीज मिली है, मुझे मतलब घर से निकलने से पहले मिली थी मुझे, ये आप देख रहे हैं क्या है। तो ये एक्चुअली है तो कोई खाली सी बोतल थी, मैंने उसमें हल्का सा पानी भर दिया है और बोतल काफी साफ थी। तो मुझे एक आइडिया आ रहा था, काफी दिन से मैं सोच रहा था ऐसा प्रैंक करूंगा, तो इसको मैं रूप दूंगा वायग्रा का। बताने की जरूरत है नहीं कि वायग्रा क्या काम करता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरे पास दूसरा भी औजार है कि ये आप जानते होंगे, ये है मेरे GoPro का रिमोट। तो मैंने क्या किया है, घर पे एक कैमरा सेट कर दिया ऑलरेडी, मैं घर पे जाऊंगा, जाने से बाहर से ही मैं इसको ऑन कर दूंगा, उसके बाद मैं धमाल मचाऊंगा इस वायग्रा के मतलब वायग्रा के ऊपर। अब पता नहीं मेरी वाइफ को वायग्रा का मतलब पता भी है या नहीं है, कितना जानती है, क्या जानती है, क्या रिएक्शन होता है उसका, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं जाऊंगा और घर पे धमाल मचाऊंगा। बाकी आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में दम है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है या कर रहे हैं, तो आप हमें थैंक्स के थ्रू मदद भी कर सकते हैं। गाइस मैं जल्दी जा रहा हूँ घर पे। ओ वाओ, क्या रोमांटिक मौसम है, सच में मेरा मन तो ऐसे भी खराब हो रहा है। चलिए गंदी बात नहीं, जाता हूँ मैं घर पे। A few moments later. क्या खतरे होते हैं सर? कितना अच्छा चीज खाते हैं ना, हमको ही पता है। यस, प्राउड है। और क्या है, अच्छा होता है ना स्प्राउड खाना। पानी दीजिए। पानी दीजिए, पानी। ठंडा लग रहा है इतना ज्यादा, कंटिन्यू बारिश बारिश बारिश, कपड़ा भी धोना है, कपड़ा भी नहीं धो पा रहे हैं। ये क्या है? क्या दवाई हमें बैठी का नहीं, आयुर्वेदिक है। सर्दी के लिए है? सर्दी के लिए दवाई, सर्दी के लिए दवाई। सर्दी हुआ है आपको? जो सर्दी के लिए नहीं है जी। तो है किस चीज का है, बताने से कोई फायदा होगा? जानकारी है कुछ? गजब बेइज्जती है। क्या है, क्या है वो? वायग्रा। क्या बोला तूने? वायग्रा ना मस्त मौसम किया है आज, पता है आपको क्या होता है उससे?
हमको पता था कि आपको पता नहीं होगा। अरे अभी गए थे ना पेट्रोल लेने के लिए गए थे, तो वही फ्रेंड था, वही फोन किक करके बुलाया, गया उसके पास, तो वही दिया हमको, बोला कि ये वाला आज ट्राई करो आज। आप जैसे ट्राई कीजिएगा। अरे हाँ भाई हाँ। क्या ये पता है? हाँ हमको पता है। कैसे पता है? यहाँ YouTube पे Google पे सब कुछ सब जगह दिया हुआ था। YouTube Google पे ये सब सर्च करते हैं बैठ करके? सर्च नहीं करते है, लेकिन दिख जाता है। आपको ये सब दिखता रहता है, हमको तो नहीं दिखा कभी आज तक। इसी दुनिया में हम भी हैं और मैरिड हैं, ठीक है, कोई बच्चा नहीं है जब वो पता नहीं रहेगा। और ये सब क्या है लाने का आपको घर में? अरे खरीद के थोड़ी लाएगा जी। तो कोई भी दे देगा, ठग ले आइएगा। अरे विश्वास है उस पैसे थोड़े दे देगा कुछ भी उठा करके। एक दिन उसमें टैग लगा, कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। आयुर्वेदिक दवाई ऐसे ही आता है, ये कोई अंग्रेजी दवाई थोड़ी है, किसमें पूरा लेबल लगा रहेगा सब कुछ। शाबाश बेटा। कुछ आयुर्वेदिक दवाई ऐसे ही आता है, ये होम मेड, ये होम रेमेडी है, ये होम रेमेडी है। तब क्या आप, आपको समझ में आ रहा है? तीन दिन से देखिए बाहर कितना मस्त मौसम है, एकदम पूरा एकदम मजा आ जाएगा एकदम। तो आज हम सोच रहे हैं काफी दिन से जो अरमान था दिल में ना, आज पूरा अरमान पूरा करेंगे आज। इतना मेरे ऊपर मत ट्राई कीजिएगा फिगर। हम पी रहे हैं, आपके ऊपर क्या ट्राई कर रहे हैं? पी के ना मेरे पीछे कूदिएगा, हमको पता है। मेरे पीछे कूदिएगा? अरे देखना दीजिए, आज तक कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, कर दे दीजिए। शिकार हम ही बनाए, हम ही है ना। हाँ? नहीं कुछ होगा जी, एक बार पी क्यों रहे, नहीं कुछ होगा तो। अरे वो हम गए उसके पास ना, तो हम हमको सर्दी जुकाम तो है, तो उसका छीके एक दो बार, तो वही बोला कि अरे तुमको लगता है ठंडा लग गया है, तो ये दवाई लो, उससे गर्मी आएगा शरीर में, तो गर्मी के लिए हम ले रहे। गर्मी मेरे बता रहिएगा। वाह दीदी वाह दीदी। हे भगवान, का है आप उतारेंगे जी, हमको पहले लेना दीजिए, पहले पीने तो दीजिए, देख लो दीजिए क्या कैसा फील हो रहा है। फील होगा तो क्या फील होगा? गोरे सब क्या है यार, किसी की भी बात पाए, कोई चीज नहीं खाना पीना चाहिए, समझे? ऐसे भी सब आपको पता है क्या होता है फिर। आपको तो ज्ञान मिला कहां से? बताइए तो फ्रेंड क्यों हम लोग क्या मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं है कुछ क्या? तो आप लोग फ्रेंड सर्कल में ये सब बात करते हैं है? और कोई टॉपिक नहीं मिला तो वगैरह और ये सब बात करते हैं? आपको शरीफ समझते हैं आप, बड़ा है, पता नहीं कैसा ख्याल है आपको। हम तो बस बात कभी कभी हुआ है, आप इसको यूज कर रहे हैं, दोस्त आपको दे रहा था, आप लोग तो बहुत पवित्र है। अरे तो अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको पिएंगे शरीर में गर्मी आएगा, हल्का पुल्का कुछ अगर मान लीजिए रिएक्ट हो भी जाता है, तो आपको भी तो फायदा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए इसको रखिए, अभी पीने वाला चीज नहीं फाल दूंगा, समझे? इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, चुप रहो। कुछ बोल रहे हैं आपको, और साइड इफेक्ट होगा और फिर मेरे पीछे बताइएगा, हम बोल दिए हैं। नहीं आएंगे, ठीक है। अब मेरा कोई मूड नहीं है अभी। अरे यार आप चुप रहिए, समझ में नहीं आ रहा आपको, आपको बोल रहे हैं रख दीजिए, मत पीजिए, समझ गए? यार एक बार ट्राई कर लो तो क्या दिक्कत है? अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हो तो अच्छा नहीं होगा, और इसका इफेक्ट अगर हमको दिख गया ना बॉडी में, तो आपको हम ना छोड़ेंगे नहीं, एक रूम में बंद करके छोड़ देंगे, समझे ना? हमको नहीं आपका शिकार बनना है, समझे? मेरा कोई मूड नहीं है अभी, जो ठंडा ऐसा ही लग रहा है, ठंडा में भूली गए ऐसे और वैसे, मतलब यही, अब आपको यही सब चीज की जरूरत पड़ गया है ना, अपने शांति को भूख को मिटाने के लिए। हाँ यार क्या फालतू फालतू बात कर रही है तुम, तो आपको इसका जरूरत क्यों पड़ गया? आपका शरीर में क्या मतलब अब कुछ नहीं रह गया है जो इसको पीजिएगा? अरे यार सर्दी जुकाम गर्मी से ठीक हो जाएगा, इसलिए पी रहे हैं, इसके लिए ये होता है। कहीं ना कहीं गर्मी शरीर में आएगा ना जी, उसके बाद कुछ होगा तो हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। पीने दिया बोलिए, कुछ भी एकदम चुपचाप रहिए, जो ये मर जाइए, कुछ छू दिए ना अगर आज तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं चला बिल्कुल अभी। नॉर्मल तो है, अच्छी बात है। बे मतलब टेंशन लेते होता है ये क्या कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, गला में जो खराश था वो खत्म हो रहा है।
और क्या ना जल्दी ट्वेंटी मिनट्स लेटर क्या हो गया अब क्या हुआ टीवी देख रहे हो क्या हुआ ऐसे से क्या कर रहे हैं हाँ पिए है ना साइड इफेक्ट कुछ होगा तो हम बताते हैं आपको चुप रहो टीवी देख रहे हाँ ये कर लो पहले क्या हो रहा है क्या हो रहा है गर्मी लग रहा गर्मी अब गर्मी लगने लगा तो गर्मी ही का तो दवाई था ये गला ठीक हो गया आपका सर्दी खांसी सब सही हो गया हाँ क्या हुआ सर्दी में ठीक हो गया क्या ठीक से बैठिए ना कैसे बैठे हैं बैठे हैं ना पहले ही बोलते कि हमको मत बुलाइएगा आप समझ गए ना ये ड्रामा और नाटक हमेशा मत कीजिए आप हमारे पहले भी मना किया था कि मत पीजिए सब चीज को अरे ठीक है आई दो मिनट दिमाग खराब कीजिएगा भैया मेरा आई नहीं सुनी ना किसलिए आए हाँ अरे सुनिए तो पहले नहीं किस लिए हाँ हमारा केस ना कि समझ पीजिए अभी मैं कोई मूड नहीं है यार गर्मी लग रहा है ना तो गर्मी लग रहा है पंखा चलाइए मरिए यही बखूद ठंडा हमको लग रहा है अरे सुनिए तो पहले हमको ठंड लग रहा है पंखा से भी सुनिए तो पहले नहीं क्या दो मिनट आई तो सामने बैठो सही हमको यहाँ नहीं बैठा जाएगा ठंडा लग रहा है हमको आइए ना इधर क्या क्या हो रहा है ये आपको हाँ इधर आइए इधर अब हम बारे में मना किया था कि मत पीजिए वो सर हाँ रिफंड आज से इतना सुंदर कभी नहीं लगे पहले आप जी क्या किए हम सुंदर लगने लगे आपको मेरे सुंदर लग रहा है ना सर जी बोल दिया मैं हाथ छोड़िए वाह कितना मौसम मस्त है जी बाप रे बाप आई ना जी हाँ तो वही मना कर रहा था ना कि मत पीजिए सर अरे आइए ना जी बोल दे ना अरे आइए ना सर नहीं अरे आइए नहीं और हमको अरे नहीं ना सुनिए तो नहीं अरे कहाँ ऐसा ही इंसान है यार देखो जो पागल तो वो
यार क्या कर रहे हैं? अरे आइए आइए जी, उठिए तो आप पहले। अरे आइए ना जी, उठिए आप वहां से पहले। नहीं नहीं आप उधर आप उधर जाइए। आप बहुत खूनखार लग रहे हैं, देख डर लग रहा है आपको। आप उधर जाइए। आप भी ट्राई कीजिए। पानी था उसमें। आज सर बता रहे हैं एकदम ना, लोग ना जो क्या कहते हैं उसको, मतलब आपको कैसा फील हो रहा था हमको, कोई राक्षस पीछे पड़ा हुआ है किसी का। पानी था उसमें, देखिए बोतल उठाई, देखिए किस चीज का बोतल है, देखिए ना सही, देखिए ना सही। और क्यों रहे हम, बहुत गुस्सा आता है, मेरे को यह मत कीजिए। Come on darling। अरे आप तो रियलिटी है, कोई दवाई का असर नहीं है अब तो। नहीं यार ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कौन हवस का पुजारी है। यस।